मेनली मैंने सिर्फ नेचर नेचर ही डिपिक्ट किया है अपनी पेंटिंग्स में, बिकॉज आई एम अ नेचर लवर और हिसाब से हमारे इर्द गिर्द बहुत खूबसूरत माहौल है तो उसको डिपिक्ट किया है. आई हैव ट्राई टू पेंट ऑल द फोर सीजन्स इन माई पेंटिंग्स. तो मैंने चाहा कि इसको लोग अट्रैक्ट हो जाएं और लोग इसे देखें. बहुत ज़्यादा प्रिटी है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पेंटिंग्स में ब्यूटी कन्वे की गई है नेचर की. हर पेंटिंग बहुत यूनिक है, डिफरेंट कलर्स है, बहुत अच्छे से नेचर की जो ब्यूटी है डिपिक्ट की गई है. पेंटिंग्स बहुत अच्छी है, वैरिंग है, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे है, रूरल लाइफ है कहीं कहीं पे, कश्मीर की ब्यूटी कन्वे कर रही हैं, क्लाइमेट है, स्टिल लाइफ भी बनाई गई है बहुत जगहों पर, क्लाउड्स बहुत प्यारे हैं, सीनरीज बहुत अच्छे से डिपिक्ट की गई है. बहुत अच्छा लगा. मुझे लगता है कि शायद ये चीज़ मुझे लगता है पहली बार ऐसी चीज़ देखने को मिली और बड़ी बात है. इट वाज लाइक ओपन फॉर ऑल द विजिटर्स, पब्लिक हर एक के लिए ओपन है और बड़ा अच्छा लगा जिस हिसाब की पेंटिंग्स या इन्होंने नेचर बनाया है, डल लेक बनाया है, वाइल्ड लाइफ, लाइक दे हैव फोकस्ड ऑन डिफरेंट थीम्स. और बड़ी बात है कि बच्चे मैंने यहाँ पे देखे, बच्चे आ रहे हैं और स्पेशली यूथ लाइक दे आर हेयर टू सी द नेचर जो कनवास पे बनाया गया है. तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मतलब जो भी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया. देखिए ये जो स्पेस ही है हमने डेडिकेट की है फॉर एग्जीबिशंस, या हम चाहते हैं कि लोगों का जो टैलेंट है उनके लिए हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें. और ये जो है पांचवी एग्जीबिशन है यहाँ पे जो हम आज कर रहे हैं और इसको चूंकि रिस्पांस भी ठीक है इसको हम एक आध दिन और एक्सटेंड कर रहे हैं और कल छुट्टी भी है और हम चाहते हैं कि और ज़्यादा लोग यहाँ आए और देखें.